किया, सो आइए हम उसकी महिमा करें। उसने हमें नया जीवन दिया है, इसीलिए हम कहते हैं हम बदले हैं। उसने हमें बदला है, अंधकार से रोशनी में लाया, ये एक बदलाव है। मृत्यु से जीवन की ओर लाया है, ये एक बदलाव है। श्रापित प्रभाव से आशीषित प्रभाव में वो लेके आया है, ये एक बदलाव है। हालेलुया, ये सब केवल और केवल क्रूस के कारण संभव है। और आज के दिन यदि हम छुड़ाए हुए लोग हैं, वो केवल क्रूस के कारण है। यदि हम चंगे लोग हैं तो केवल क्रूस के कारण है। यदि हम आजाद लोग हैं तो केवल और केवल क्रूस के कारण। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। इसी यीशु को हम महिमा देते हैं। वो अल्फा है
और ओमेगा है। हालेलुया, वो हमारे दिल का राजा है। लेकिन विशेष बात यह है कि वो राजा तब बनता है जब हम राजा का मुकुट उस पर चढ़ाते हैं, तब वो हमारे जीवन के लिए राजा है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम उस बात की ओर अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हम लोग सब मिलकर जब गीत गाते हैं यीशु की महिमा होते हैं, यीशु की महिमा प्रकट होती है। ये गीत है जो हम गाएंगे, हे जावेदा यीशु मसीहा, हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं,
आपकी आवाज गाइए, हे जा बेटा यीशु मसीहा, हे जा बेटा यीशु मसीहा, हे जा बेटा यीशु मसीहा, हालेलुया, हे जा बेटा यीशु मसीहा, आखिरी बार हे जा बेटा यीशु मसीहा, हे जा बेटा यीशु मसीहा, प्रभु यीशु तेरा नाम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन के राजा आप ही तो हैं, हमारे जीवन के प्रभु आप ही तो हैं, हालेलुया, आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य आप ही तो हैं, हालेलुया, हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह जबकि हम प्रभु के मेज के सामने आए हैं, इस बात को स्मरण करने आए हैं कि यीशु जब इस पृथ्वी पर आए केवल एक ही कारण के लिए वो आए थे, लोगों को चंगा करने नहीं आए थे, वो बीमारों को ठीक करने नहीं आए थे, लोगों को छुटकारा प्रदान करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने इन सब कामों को किया, चलते चलते कभी इधर किसी को छुआ, कभी उधर किसी की मुहैया करी, कभी आगे बढ़कर कुछ किया, ऐसे चलते चलते वो इन अच्छे अच्छे कामों को यीशु ने किया। लेकिन ये यीशु का उद्देश्य नहीं था पृथ्वी पर आने का। ये सब काम तो यीशु स्वर्ग से बैठे भी कर सकता था। आप दुआ करो चंगाई के लिए, वो स्वर्ग से बैठे कर सकता है, आपकी परेशानी को स्वर्ग से वो दूर कर सकता है, आपको छुटकारा स्वर्ग से दे सकता है, पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पृथ्वी पर आया केवल एक कारण के लिए आया था, उसका मंजिल था क्रूस, उसका मंजिल क्रूस था, कलवरी उसका मंजिल था, और बेतलेहम में पैदा होने से लेकर कलवरी क्रूस तक जब तक वो नहीं पहुंचा उसका काम अधूरा था। हाँ, मार्ग में लोगों को छुआ, मार्ग में लोगों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया चलते चलते, लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य था वो था क्रूस, वो मंजिल था क्रूस, जहाँ पर यीशु ने अपने रक्त को बहाया, जहाँ पर उसने अपने शरीर को तोड़े जाने के लिए दिया। ये कारण था कि यीशु स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि स्वर्ग से वो बलि नहीं चढ़ा पाता, स्वर्ग से खून नहीं चढ़ा सकता था, उसके शरीर में खून नहीं, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का ना खून होता है ना मांस होता है, उसके लिए उसको पृथ्वी पर आना जरूरी था, केवल उसके लिए, और केवल क्रूस पर जाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया। और किस बात ने उसे मजबूर किया? आपने मजबूर किया उसे, मैंने मजबूर किया कि यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हमने मजबूर किया यीशु को, हमने मजबूर किया कि वो क्रूस पर चढ़े, हमारी मजबूरी ने कील ठुकवाए उस क्रूस पर, ये हम थे जिसके कारण यीशु उस क्रूस पर चढ़ा। इसीलिए हमको चाहिए कि एक आभारी हृदय से हम यीशु को ऐसा धन्यवाद दें जो शायद हम किसी और को कभी भी जीवन भर नहीं दे पाए, क्योंकि यीशु ही एकमात्र वो है जिसने ऐसा काम किया जो किसी मनुष्य, किसी ईश्वर, किसी देवता ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया ये काम जो केवल यीशु ने किया, जो केवल यीशु ने किया। यीशु ने अपना लहू बहाया, और वो लहू साधारण लहू नहीं था, उसमें सामर्थ्य है, वो एक शुद्ध लहू है, सामर्थी लहू है,
इसीलिए उस लहू में वो सामर्थ है कि हमें शुद्ध करे, हमें चंगाई दे, हमें छुड़ाए। वो लहू जो यीशु ने बहाया वो कोई आम लहू नहीं है, वो एक विशेष लहू है, सामर्थी लहू है, और उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, उस लहू के द्वारा हमने चंगाई प्राप्त किया है, उस लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, और आज के दिन उस लहू के कारण ही हम अपने पिता के सामने खड़े हो सकते हैं और हम पुकार सकते हैं कहते हुए, अब्बा अब्बा। केवल उस कारण हमें नया जीवन दिया गया है, केवल उस कारण नए जीवन से अनंत जीवन की ओर हम जा सकते हैं, केवल उस कारण यीशु का लहू। हालेलुया। इस गीत को जब हम गाते हैं, मैं चाहूंगा कि बड़े अर्थ के साथ ईमानदारी से इस गीत को हम गाएंगे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता। गाइए तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू खूब
लहू के झरने से, तेरे लहू के झरने से उस खून के बदले हम क्या दे सकते हैं, उस बलिदान के बदले हम क्या कीमत दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो उसके बदले हम दे सकते हैं। हम केवल और केवल अपने आप को हम सामने लाकर कह सकते हैं, हे मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम केवल अपने आप को दे सकते हैं और कह सकते हैं आप हमारे भी मालिक बन जाओ। Yeah.
जानते हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ यीशु का ही है, जो कुछ भी हम हैं वो केवल और केवल यीशु की कृपा है, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो केवल और केवल यीशु के द्वारा, केवल और केवल यीशु के द्वारा। You go.